OnePlus 6T अक्टूबर में हुआ था ये वाला फोन लॉन्च। अभी 14 तारीख को आने वाला है इसका नया वर्जन जो कि है OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro। बट मैंने सोचा ये एकदम सही टाइम है, 10 या 15 दिन रह गए नया फोन आने में, उससे पहले एक बार ये वाला जो फोन है इसको कर लिया जाए अनबॉक्स, नया वाला भी जरूर करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और इस वाले फोन को निकालता हूँ बाहर। तो ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग है OnePlus के डिवाइस की, तो फटाफट से अब इसके बॉक्स को देखते हैं, उसके बाद निकालते हैं फोन को बाहर। तो सबसे पहले अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो एक बहुत ही व्हाइट कलर का सिंपल सा बॉक्स है जहां पे 6 आपको लिखा हुआ दिख जाएगा जो कि इस फोन का मॉडल। ये वाला टी अपग्रेड था जो इन्होंने किया था अक्टूबर में। साल में दो फोन आते हैं OnePlus के, एक होता है मेन और उसके बाद एक आती है टी सीरीज। तो ये वाला जो फोन था ये था टी वर्जन। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे OnePlus का आपको लोगो दिख जाएगा OnePlus 6T। दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट रीडर वाला आइकन, क्योंकि इस वाले फोन की जो स्पेशलिटी है यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो चले गया है ग्लास के नीचे। अब पहले की तरह बैक में नहीं है फिंगरप्रिंट, तो वो भी देखेंगे। एक बार बस बॉक्स को ओपन करना है हमें, तो फटाफट से आप बॉक्स को ओपन करते हैं। और ये वाले वर्जन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिया है मिडनाइट ब्लैक। 128GB यहाँ पे स्टोरेज है और 8GB है इसमें रैम OnePlus 6T। तो यहाँ पे है मेरे पास नाइफ, अब इसको कट करते हैं यहाँ से, फोन को निकालते हैं बाहर। फोन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पहला OnePlus डिवाइस मेरा। तो यहाँ पे स्टैप को निकाल देते हैं बाहर, OnePlus कम्युनिटी एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब इसको रखते हैं साइड में और अब निकालते हैं अपने फोन को बाहर। तो अब बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स को खोलने के लिए बस हल्का सा हिलाओ और ऊपर ही होना चाहिए आपका फोन। और यहाँ पे है हमारा फोन, आपको ऊपर ही दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट रीडर का साइन। जैसा कि मैंने पहले बताया जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो स्क्रीन के नीचे चले गया, तो बैक में नहीं है। तो फोन को एक बार रख देते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें बॉक्स के अंदर। तो इसको हटाते हैं और अंदर यहाँ पे कुछ बुक्स और प्रोडक्ट मैनुअल्स होंगे आपके। यहाँ पे एक इनविटेशन लेटर है, किस चीज का इनविटेशन लेटर है मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अवार्ड फ्रॉम पीट OnePlus CEO। ओपन अगर इसको मैं करूँ, ओके, तो ये हमारा वेलकम कर रहे हैं OnePlus फैमिली में, तो इसको रखते हैं साइड में। बट ये वाला जो एक छोटा सा टच है यहाँ पे जो इनके CEO ने लिखा हुआ है, ये मुझे काफी कमाल का लगा, क्योंकि ज्यादातर फोन्स में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसको रखते हैं साइड में। नीचे आपकी चार्जिंग केबल है USB A to USB C, और जो OnePlus 6T है यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है, तो आपका अडेप्टर मिल जाएगा USB C to Mini Jack। उसके अलावा बॉक्स में आपको मिलेगा OnePlus कंपनी का ही फास्ट चार्जर। तो इस सबको रखते हैं साइड में, प्रोडक्ट मैनुअल्स निकालते हैं और देखते हैं अंदर अगर कुछ खास मिलता है। तो हेडफोन्स अभी तक नहीं मिले, अब देखते हैं हेडफोन्स हैं इसके अंदर या नहीं। तो अंदर क्या क्या है, एक यहाँ पे आपको वाइट कलर का जो क्लियर यहाँ पे केस मिलता है वो मिलेगा आपको बॉक्स के अंदर ही। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, क्या क्या है यहाँ पे, सिम इजेक्टर टूल ज़रूर होना चाहिए। तो हेडफोन नहीं है बॉक्स के अंदर, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल ज़रूर है आपके लिए। और उसके अलावा क्या है, कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हेडफोन नहीं है बॉक्स के अंदर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि इनके जो यहाँ पे नए आए थे बुलेट वाले हेडफोन्स, आई गेस उसकी प्रमोशन है, तो इसीलिए शायद इसमें नहीं डाले हैं इन्होंने हेडफोन्स की। जो भी ये वाला फ़ोन लेगा वो बुलेट वाले हेडफोन इसके साथ ही ले। तो ये तो हो गया सारा बॉक्स का कंटेंट, अब रखते हैं फ़ोन को, इसके रैप को निकालते हैं और इसको करते हैं सेटअप। तो यहाँ पे है मेरे पास फ़ोन, बट एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अनयूजुअल लगी कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर हेडफोन नहीं है। एटलीस्ट सिटी से ही कोई दे देते, बट कोई भी किसी भी तरीके का हेडफोन नहीं मिले बॉक्स के अंदर, वो मुझे काफ़ी अजीब लगा। तो फोन को मैंने स्टार्ट कर दिया, बट एक चीज यहाँ पे, एक नहीं एक्चुअली दो चीजें अजीब लगी। पहला तो यहाँ पे रैप जो है था ही नहीं, बस यहाँ पे दो आपको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्टिकर्स थे जो आपके फोन के ऊपर थे। मुझे लगा था जैसे हर फोन में होता है हम पूरा रैप निकालेंगे, वैसा नहीं था। और उसके अलावा हेडफोन नहीं थे बॉक्स में। तो OnePlus का पहला फोन और काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का। तो फटाफट से अब ये वाला जो फोन है इसको कर लेते हैं सेटअप। बट अगर यहीं पे अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 6.4 इंच की एमोलेड स्क्रीन, और यहाँ पे ये वाली जो नॉच है इसको OnePlus कहता है टीयर ड्रॉप नॉच। तो अब फटाफट से इसको मैं करता हूँ सेटअप, उसके बाद देखते हैं कैसा है इसका एक्सपीरियंस। अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि टीयर ड्रॉप नॉच यहाँ पे मिलती है, बट यहाँ पे जो आपका स्पीकर आप देख सकते हो एकदम ऊपर चलेगा, ताकि आपको जो लुक है वो बहुत ही क्लीन मिले इस वाले फोन का। और इस चीज से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑडियो क्वालिटी है, जो कॉल क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की है इस फोन की। तो यहाँ पे फोन जो है मैंने प्रॉपर तरीके से कर लिया है सेटअप। अगर आपको इसका मैं फिंगरप्रिंट रीडर दिखाऊं, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि कितना ज्यादा फास्ट है ये वाला जो फिंगरप्रिंट रीडर है। तो एक बार अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पे मैंने इसको किया अनलॉक, और यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो उतना ज्यादा तेज नहीं है जितना बैक वाला होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला रीडर कितनी जल्दी कर देता है अनलॉक।
तो ये चीज़ काफ़ी कमाल की लगी मुझे इस वाले फ़ोन में। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे अनॉइंग लगी इस फिंगरप्रिंट रीडर के बारे में वो है ये कि यहाँ पे पहले आपको ये वाला बटन दबाना पड़ता है, उसके बाद आपको ऐसे करना पड़ता है, तो टू स्टेप प्रोसेस हो जाती है यार ये वाली, कि पहले आप ये वाला बटन दबाओ, उसके बाद इसको करो कुछ इस तरीके से, तब जाके आपका जो फ़ोन है वो होगा अनलॉक। कुछ इसी तरीके का आपको आईफोन में भी करना पड़ता है, बट जो सिंपल जैसे टच आई डी में होता था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, या जैसे एल जी का ये वाला फ़ोन है तो अगर इसके बैक में मैं लगाता हूँ तो ये हो गया अनलॉक। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पे जो ये टू स्टेप वाला प्रोसीजर होता है ये थोड़ा सा अनॉइंग लगता है कई बार मुझे। और उसके अलावा यहाँ पे जो ये वाला फीचर है फिंगरप्रिंट वाला, ये फुल ब्राइटनेस में चलता है, तो अगर आप आधी रात के टाइम पे इसको यूज़ कर रहे हो तो आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ने वाला है, क्योंकि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है क्या करती है कि लाइट को प्रोजेक्ट करती है आपकी फिंगर पे और उसके बाद फिंगरप्रिंट को लेती है, उससे करती है अनलॉक। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या मिलता है हमें इस वाले फोन में, 6.4 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलती है, मैंने पहले भी बताया। उसके अलावा यहाँ पे दो स्टोरेज ऑप्शन आपको मिलेंगे, 128 और 256। ये वाला जो मेरा मॉडल है ये है 128 GB। 128 GB में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 6 GB RAM, 8 GB RAM, मैंने यहाँ पे लिया है 8 GB वाला। और अगर आप लेते हो 256 GB वाला वर्जन तो वहाँ पे आपको मिलेगी 8 GB RAM। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर। कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो कैमरा सेम है जो हमें मिलता था OnePlus 6 में, तो बहुत ही कमाल का कैमरा है। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है आपको इस वाले फोन में, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पे अब जो हेडफोन जाएगा वो जा चुका है, तो आपको जैसे आईफोन में यूज करना पड़ता है अडेप्टर लगा के ही यूज करना पड़ेगा। अब बस सैमसंग और LG ही रह गया है जिसमें आपको मिलते हैं हेडफोन जैक, बाकी सारे जो फोन्स हैं उनमें से जो हेडफोन जैक है वो हो गया है गायब। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो OnePlus 60 की अनबॉक्सिंग के ऊपर। आई नो इसका जो नया वर्जन है वो 14 तारीख को आ रहा है, OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro। यहाँ पे OnePlus जो 60 है मैंने आज इसलिए अनबॉक्स किया क्योंकि मुझे एकदम सही टाइमिंग लगी इस फोन को अनबॉक्स करने, क्योंकि 14 दिन बाद सब लोग हल्ला करेंगे OnePlus 7 के बारे में और OnePlus 60 की कोई बात नहीं करेगा, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी ये वाले फोन को अनबॉक्स करने की, तो मैंने सोचा क्यों ना करूं। OnePlus का पहला फोन है जो मुझे अनबॉक्स करने का मौका मिल रहा था, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को लिया और आपको दिखाई यहाँ पे अनबॉक्सिंग। कैसी लगी ये वाली वीडियो प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। बहुत ही कमाल का फोन है ये वाला। और अगर इसके मैं प्राइस की बात करूं तो US में आपको इसके तीन वर्जन मिलते हैं, जो यहाँ पे 128 GB 6 GB RAM के साथ मिलेगा, उसका प्राइस है यहाँ पे $529। उसके अलावा जो यहाँ पे 8 GB RAM वाला है वो आपको पड़ेगा $579 का। और अगर आप लेना चाहते हो 256 GB स्टोरेज के साथ 8 GB RAM तो वो यहाँ पे आपको पड़ेगा $629 का। और अब अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया में ये वाला जो फोन है अगर इसके बेसिक वर्जन की बात करूं जो है 128 GB के साथ 6 GB RAM तो ये पड़ेगा आपको $38,000 का। अगर मैं बात करूं 8 GB RAM के साथ 128 GB स्टोरेज तो वो आपको पड़ेगा $42,000 का। और अगर आप लेना चाहते हो एकदम टॉप ऑफ द लाइन 256 GB स्टोरेज 8 GB RAM तो वो आपको पड़ेगा $46,000 का। और इस प्राइस रेंज में ये वाला जो फोन है बहुत ही कमाल की डील देता है, क्योंकि इसमें जो स्पेक्स हैं सारे टॉप ऑफ द लाइन है, और अभी जब नया OnePlus आ जाएगा तो इसके प्राइसेस जो है वो और कम जाएंगे। अगर मैं अभी की बात करूं बहुत ही कमाल का फोन है, अगर आज से 6 महीने बाद भी आप ये वाली वीडियो देख रहे हो और ये फोन को लेने का सोच रहे हो तो कुछ भी बुरा नहीं, आप ले सकते हो। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। कैसी लगी आपको मेरी OnePlus 60 की अनबॉक्सिंग प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।